हाँ रिया, हाँ यहाँ सब ठीक है। अब तुम सो जाना बेटे, हम आ जाएंगे। लव यू, गुड नाइट, बाय। सूर्य, आई एम सॉरी यार। अरे तू क्यों माफी मांगती है? गलती मेरी थी। माफी तो हमेशा मैंने ही मांगी है ना, इसीलिए सॉरी। फिर आज पुरानी दोस्ती को नवे सिर से शुरू करते हैं। मैं मांगनी है, सॉरी रे। सूरी, तू सॉरी बोल रही है? ठीक है ना तू? सब्र जरा सा कीजे, टर्न द टेबल, बेस बढ़ा, चल चलती मुए की जग मैं बुला सकती। हिप हॉप तक इसका पागल हो गई है। जब नाचन चल बाहर लोग वेट कर रहे हैं चाय को। अच्छा हुआ, वरना तू नाचती रहती। मजा आ गया। ये बेबी को ऐसे दौरे अक्सर पड़ते रहते हैं क्या? बेबी नूना दुनिया भर की बीमारी होती रहती है। पर आज हमने थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया, क्योंकि कुलविंदर जी ना बड़े नाराज हो गए ऐसे यार। अच्छा, वो बेबी ने जस्सी के जन्म की बात को लेकर ऐसे सालों बाद मिले, यारा सालों बाद मिले, जाने कब के कितने कितने राज खुले। जस्सी के जन्म को लेकर कोई बात हो गई थी क्या? नहीं नहीं, अभी तो कह रही थी कि अरे नहीं, वो जस्सी के जन्मदिन वो फैमिली में बहस हो गई थी। कोई बात नहीं है, चल चल, अरे चाय ठंडी हो रही, बाहर से वेट कर, ला दा, आ जा, चल। हाँ, कोई बात नहीं है। मॉम, डैड, इतनी देर लगा दी आप लोग ने, कब से कॉल कर रही थी मैं आपको? मैंने बोला तो था, सामने वाले घर में बेबी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो डैड और मुझे वहीं पर जाना पड़ा। तो एटलीस्ट जगा देते यार। सॉरी रिया, डैड और मेरी तरफ से। इसमें हंसने वाली क्या बात है? बस यही देख रहा हूँ मैं कि रोल्स पलट कैसे गए। अब तुम्हें समझ में आया रिया, मम्मा को इतनी चिंता क्यों होती है? जब तुम देर देर तक अपने दोस्तों के साथ जाती हो, वो इतने मैसेजेस और फोन्स क्यों करती है तुम्हें? करेक्ट, मैं सच में परेशान थी। ओके, वही मोमजी तो हमेशा जासूसी करती है। और नहीं तो क्या, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, आई डोंट केयर, मैं तो बड़ी बिजी हूँ। मैं कब जासूसी करती हूँ? इस वक्त तुम मैसेज किसे कर रही हो? नाइस ट्राई मॉमजी, लेकिन आज आपको पूछने का कोई हक नहीं बनता। कब सीखोगे आप? टाइम लगेगा, लेकिन वर्ल्ड एंड होने से पहले हो जाएगा ना? वो तो डिपेंड होता है कि वर्ल्ड एंड कब होता है। एक मिनट,
कौन से दिन के बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन का मोमजी जिस दिन आप लोगों के सीक्रेट्स को सीक्रेट रहने दोगे और उन्हें घुसना बंद करोगे। तुम मुझसे सीक्रेट्स रखोगी? बुरा ही क्या? क्या वैसे कभी कभी चलता है? कभी नहीं चलता। और ये सब ना तुम इसे मत सिखाओ प्लीज। मैं कह रहा था कि मतलब मम्मी को कभी कभी बताना चलता है। कम ऑन डैड। जस्सी सो रही है अपनी दादी के साथ। कैसा लगा होगा मेरी बच्ची को? कैसा लगेगा कुलविंदर जी, आप ही सोचो ना। बेबी ने जो भी कहा सब सुन लिया उस बेचारी ने। दिल दुखा ही ना। आपने संभाल लेता ना? अरे माँ हूँ उसकी, मुझे आता है अपनी बच्ची को संभालना। हाँ माँ हो तुसी, संभाल लेता ना? आज तो संभाल लेता कुलविंदर जी, पर ये बेबी जो हमेशा फर्क करती है ना दोनों बच्चों में, तो अब मैंने नहीं पता उन्हें समझ में आता है कि नहीं, लेकिन बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है इसका। एक तरफ तो हम अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं, इतना कुछ करना चाहते हैं उसके लिए, और दूसरी तरफ अपने घर में ऐसी बातें सुनेगी तो फिर वो। ये तो होता है ना सुरेंद्र जी, भाई बहन के बीच में कुड़ियों को खुद ही पीछे हटना सिखा देते हैं हम लोग। ना 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 ना, मैं जस्सी को पीछे हटने नहीं दूंगी। ओए सुरेंद्र जी, आदमी कैसा भी हो पर अपने दोनों बच्चों में फर्क नहीं करता, जैसा जोगी वैसी जस्सी, दोनों को एक समान हक और एक समान प्यार मिलेगा इस घर में हमेशा। पागल हो गए हो? What? ये सब उसके सामने कहने की क्या जरूरत थी? क्यों? इसीलिए वो बाउंड्रीज नहीं जानती, क्योंकि तुम बाउंड्रीज नहीं जानते हो। और उसे ऐसे बात करे थे जैसे वो तुम्हारी कोई दोस्त। दोस्ती कोई बुरी चीज होती है सिमरन? मैंने ऐसा कब कहा? फिर रिया की एज ऐसी है जहाँ उसे दोस्तों की नहीं पेरेंट्स की जरूरत है। देखो उसे इतनी सी ढील दोगे ना तो वो हाथ से निकल जाएगी राज। अब तक है ना माँ की हैसियत से मैंने संभाला है उसे, समझाया, हर चीज से बचा के रखा, लेकिन आज है ना मैं सिर्फ माँ बन के बात नहीं करना चाह रही थी, आज मैं दोस्त बनना चाह रही थी। यही साडा काम है। देखो राज, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि रिया गलतियां ना करे। एंड इज दैट रॉन्ग टू एक्सपेक्ट? अरे की होंगी तुमने गलतियां, मगर अपनी बच्ची पर तो भरोसा करना सीखो। वो रिया है, सिमरन नहीं, तुम्हारी गलतियां नहीं दोहराएगी, अपनी खुद की नई गलतियां करेगी, और अच्छे माँ बाप बनकर हम उन गलतियों को माफ कर देंगे, और यही परवरिश होती है। अपने बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने देना और उन पर भरोसा रखना कि वो गिर भी गए तो फिर उठे। हे व्हाट्सएप, हाँ मैं कल के लिए बिल्कुल रेडी हूं। इतनी रात गए या किससे बात करी है? कहीं कोई लड़के का चक्कर? नो सिमरन, काम डाउन, रिलैक्स, भरोसा रख एज अ फ्रेंड, जस्ट ट्रस्ट रिया प्लीज। सब कुछ तैयार है यार, बस वहां पहुंचना है बस। या मैन चिल, मोमजी को कुछ नहीं पता चलेगा, डोंट वरी यार, कल रात इज फाइनल, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना। मोमजी ना सोचती रह जाएगी और मैं फुर्र हो जाऊंगी। ओह माय गॉड। हाँ मामा। अरे क्यों नहीं बताऊंगा उसे, आप इनविजिबल थोड़ी हैं कि आप घर पे आएंगे और सिमरन आपको देखेगी नहीं। कम ऑन मामा, वी लव यू, हमें बहुत खुशी होगी आपके आने पर। अरे आप तो जानती हैं हम बड़े
खुश फहमी वाले लोग हैं। मैं आपसे जरा बाद में बात करता हूं, लगता है घर में कुछ बादल छा रहे हैं। बाय। क्या ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे? ओ, पता चल गया तुम्हें। मतलब तुम्हें पता है? और नहीं तो क्या, मुझे तो पता होगा ही ना, मुझे तो बता कर हुआ ये सब। क्या? अब देखो सिमरन, कर भी क्या सकते हैं, कर भी क्या सकते हैं मतलब, अरे ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो करना होगा ना। देखो सिमरन, तुम्हें थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, मगर कुछ दिन दिल पे पत्थर रखकर झेल लेना। दिल पर पत्थर कैसे रखूं? ये आसान नहीं है मेरे लिए। आसान नहीं है? तुम्हें तो प्रैक्टिस है ना। प्रैक्टिस है? और नहीं तो क्या, ये पहले कभी नहीं हुआ है। व्हाट, ये क्या कह रही है तुम सिमरन, हमेशा तो होता है। हमेशा क्या? यही कि मम्मा आती है हमारे साथ के लिए। रिया घर छोड़ के जा रही है। मम्मी जी आ रही है? हाँ। दादी आ रही है तो मुझे घर से भागने की क्या जरूरत है? And may I ask, तुम घर से भाग क्यों रही हो और जहाँ खा रही हो? इनसे पूछो कहाँ जा रही हूँ मैं। कहाँ? मुझे क्या पता, वो रिया फोन पर बात कर रही थी, प्लान्स बना रही थी। तुम समझ में आ गया। डैड, मॉम हमेशा की तरह चुप चुप के मेरी बातें सुनती है और हमेशा की तरह अपने बुरे से नतीजे पे पहुंच जाती है। क्या करें? ज्यादा मत बोलो तुम। रिया फोन पर किससे बातें कर रही थी? उसी से जिसके साथ भागने का प्लान था। रिया कौन है वो? जब मैं सच में भाग जाऊंगी ना तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, गुड नाइट। चलो, मम्मा आने वाली है। बात मत करूंगी। वो आज स्कूल की फीस भरनी है, याद है ना? ओ हाँ, मैं कर देंगा इंतजाम। वो बड़े शहर में नींद बड़ी डिस्टर्ब सी आती है। सब ठीक ही हो रहा है ना? सब ठीक हो रहा है जी। जब इतना कर देता है तो आगे भी संभाल ही लेंगे ना रब। आप बस एडमिशन करा दो, सब कुछ समझ जाए। चलो तुसी कहने हो तो फिर ठीक है। दो रब रख। क्या नहीं आ रही हो? पर मैंने तो तुमसे कहा था कि टाइम पर आ जाना, मेहमान आ रहे। तुम हो कि गायब हो रही हो? लेडीज का फेवरेट पंचिंग बैग, हस्बैंड्स के बाद उनकी काम करने वाली। हाँ हाँ, ले लो, तुम भी उसी की साइड ले लो और ये कहो मुझसे कि एक अच्छी गृहिणी को सब कुछ आना चाहिए। गृहिणी? तुम तो सुपर वुमन हो मेरी जान। रहने दो, कहो राज। अच्छी गृहिणियां सब कुछ मैनेज कर लेती है, अपने बच्चों की पढ़ाई मैनेज कर लेती है, घर को देखती है, हस्बैंड की सोशल लाइफ को देखती है, अपने बिजनेस को संभालती है। मैं ही हूँ और वक्त स्ट्रगल करती रहती हूँ। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। वैसे उसका सलूशन है मेरे पास। रियली? देखो तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, क्यों ना मैं एक हाउस हस्बैंड बन जाता हूँ। तुम काम संभालो, मैं घर संभालता हूँ। इट विल बी अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन, बिलीव मी। अरे तुम्हें मजाक पूछता रहता है ना। अरे कुछ तैयारी नहीं हुई है और मम्मी जी आ रही है। मम्मी जी ठीक है ना यार? मॉम जी मैं जा रही हूँ, आज भागने का प्लान जो है। रिया आज तुम कहीं नहीं जा रही हो, मेरी हेल्प कर रही हो। दादी आ रही है, दादी डजंट लाइक कि मैं किचन में रहूं, सोच रहा मैं कंप्लेन कर दूंगी। रिया बहस नहीं, मुझे तुम्हारी आज हेल्प चाहिए, मतलब चाहिए। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? दादी आ रही है, मामला थोड़ा सीरियस है, हेल्प कर दो अपनी मौसी की। नो डैड। और यू डोंट वरी यार, वो कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारी हेल्प करेगी। राइट। और सब कुछ इतना स्मूथली जाएगा कि मम्मा विल बी जस्ट ब्लोन अवे। आई होप ऐसा कुछ नहीं होने वाला और तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। देखो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। बेबे मैं और जस्सी जरा निक्की के घर होकर आते हैं, वो कल बच्चों का पहला दिन है ना स्कूल में, तो थोड़ा पूछताछ कर लेते हैं, ठीक है ना जस्सी? चल चल चल। लेकिन मम्मी जी ये सब डायरी में लिखा है। ओहो, उससे क्या होता है, एक बार रिया से पूछ लेते हैं ना, वो उसी स्कूल में पढ़ती है। और फिर नवे स्कूल में एक आध दोस्त भी तो होनी चाहिए ना, नहीं? वो मम्मा जी
रिया मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती। उसके चाहने से क्या होता है? उसकी माँ और तेरी माँ तो यही चाहते हैं। तो फिर बस तू मम्मा जी की बात ना डाल। चल चल बेबे जल्दी आते हैं। चल 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 छेती आई। अरे पंजाबी बाग से बोल रही हूँ, कितनी बार कहूँ मैं। क्या कहा आपने? डिलीवरी बॉयज नहीं है आपके पास? नहीं है ना तो अपना रेस्टोरेंट बंद करवा दीजिए। हाय हाय मैं सबके जावा निक्की, हां डांट लगाई तूने तो, है मजा आ गया। अच्छे दिन पर आई है, दिमाग आउट हो गया मेरा। की कर ले इतना क्यों फड़फड़ा रही है? सासू मां आ रही है और उन्हें ना मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार है। जैसे बच्चे तू जा, जाके रिया से पूछ ले कल के बारे में। हाँ स्कूल का पहला दिन है ना कल। जा 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 बच्चे ये मुझे दे दे। रूम कितना है यहाँ से? राइट। कितनी क्यूट लग रही है जस्सी। ये पकड़, ये खीर खिला देना अपनी सास को, मेरी जस्सी ने बनाई है। किसने बनाई है? जस्सी ने, बड़ी स्वादी है। हाँ। जस्सी बेटा है? जस्सी। हाँ जी। यहाँ यहाँ जैसे बेटा रिया को देना, देना अपने हाथों से बनाई, रिया थोड़ी सी इंस्पायर हो जाएगी। रिया 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 हमारे गांव में दरवाजे नहीं होते क्या? जी हमारा गांव नहीं है, वड्डा शहर है। वहाँ सिर्फ दिमाग लकड़ी के होते हैं या दरवाजे भी? जी अगर दरवाजा बंद हो ना तो उसे नॉक करके अंदर आना चाहिए, समझी आंटी? जी अगर नॉक करने के बाद भी कोई दरवाजा ना खोले तो एक बार चेक कर लेना चाहिए कि अंदर सब ठीक है कि नहीं। लीजिए खीर। मेरी सास है ना, एक मौका नहीं छोड़ती मेरी बुराई करने का। अगर उन्हें पता चलेगा ना मैंने काम की वजह से खाना नहीं पकाया तो आई एम डेड। तू भी ना बाहर से मंगवा ले। हाँ हम किसी को भेज देते हैं ना खाना लाने के लिए। कौन जाएगा? रिया को भेज दे। रिया? नो चांस, उसने तो मना कर दिया है क्योंकि मैंने उसे कहा था ना वो अपने फ्रेंड के घर नहीं जा सकती इसीलिए। हाँ तू रुक, मैं कल करती हूँ रिया से। मोमजी ना सोचती रह जाएगी और मैं फुर्र हो जाऊंगी। मैं कहाँ ना बोल रही हूँ, जाऊंगी ना मैं। सीरियसली रिया? ओह आई लव यू, थैंक यू। चाचा पैसे तो दे। हाँ हाँ ये मैं जस्सी जाके ले आएंगी। अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे नहीं जाना रोड वोड पे। ओहो रोड पे के हाथी बैठे जो कुचल देंगे तुझे, कमाल ही है। सलाद वगैरह तो मैं ही काटनी है। रिया क्या अकेले इतना सारा सामान लेके जाएगी? अरे तू जा हेल्प कर रिया, बच्चे ले जा ले जाती से। पर रिया दादी घर पहुंचने से पहले घर पहुंच जाना। मैं नहीं चाहती कि दादी जाने मैंने खाना रेस्टोरेंट से मंगवाया। मॉमजी आप चाहते मैं झूठ बोलूं? बहस मत करो, जाओ खाना लेकर आओ, गो। कोई है घर में या सब घर छोड़ के भाग गए? आ गई हमारी पुष्पा रानी। पूरी डोंट वरी मॉमजी, मेरे पास घर से निकलने का एक ट्राइड और टेस्टेड तरीका है। ये रिया तुमने ये पहले ट्राई और टेस्ट किया है? चल जस्सी। रिया जा 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 बच्चे जा चल। अरे घूम जाना ऐसे कैसे जाए, ये ले अपना हेल्प कर रिया। जा 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 सॉरी रिया, पहले बच्चे संभाल। रिया खिड़की से ऐसे जा। अरे तो खिड़की को छोड़, वहां दरवाजे पे तेरी सास खड़ी है उसका सोच। चल चल चल। हाँ For more updates, subscribe to our channel. Click
Click the show links and enjoy watching the videos. देखते हैं इनके प्यार में कितनी पावर है। पावर कपल को पावर बाय प्रिया गोल्ड स्नैकर 12 दिसंबर से शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पर।